चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह और हमारे महान नेताओं का जोरदार तालियां बजा। हमारे जिले के अध्यक्ष हैं रमेश काकड़ा जी, तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि वो भी आज अपने अध्यक्ष जी प्रसाद गंदो जी का स्वागत करेंगे। रमेश केजरी साहब और बाबा साहब के चरणों में एक सरदार जी की 5 मिनट का घंटा पड़ेंगे जी प्रस्तुत करें। हो गई, मोदी जी झुके हारे, झुकाने वाला चाहिए, किसानों ने झुकाया और जब से ये सरकार बनी है कोई कहता है मोदी झुकता नहीं है, लेकिन मोदी को 2 बार झुकाने का काम किया। 1-2 अप्रैल भारत बंद के समय दलित समाज के बच्चों ने झुकाने का काम किया और दूसरा किसानों ने झुकाने का काम किया। तो जब ये किसान मजदूर वापस नहीं जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना पार्षद क्या एक बीड़ी सी जिता नहीं सकती। ये सामाजिक समीकरण है। अभी चुनाव आ रहा है, जब से चुनाव आया है योगी आदित्यनाथ हर जगह जाकर जिन्ना 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 चिल्ला रहे हैं। जितना ये राम का नाम नहीं लेते उतना ही जिन्ना का नाम लेते हैं, जितना ये उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लेते ये जिन्ना का नाम लेते हैं। अरे जिन्ना से इतना प्यार है तो जाने जाओ जिन्ना के मजार के बगल में लेट जाओ, हम भी आकर उस पर फूल माला चढ़ा देंगे। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए कि बाहर का मुख्यमंत्री होना चाहिए, कहां का होना चाहिए? तो उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए तो इस समय उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड का आदमी कैसे मुख्यमंत्री बनाएगा? गलती हो गई। मगर तो उत्तराखंड वाले भी कहते हैं भैया जो उत्तराखंड ना भेजो उसको नेपाली भेजो। तो मैं तो कहता हूं इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः वही सरकार बनेगी जब किसान मजदूर दलित महिलाओं की उन सभी की सुनी जाएगी। ये क्या मुख्यमंत्री है रैलियों में जाता है तो अब्बा जान चिल्लाता है। अरे इसको बताओ कि इसके बहुत सारे अब्बा जान यार खेतों को खा जाते हैं, उन अब्बा जानों को बताओ तुम्हारे अब्बा जान किसानों की फसलें खा रहे हैं, अपने अब्बा जान को काबू में रखने का काम करो। क्योंकि जब से ये सरकार में आए हैं आप देखिए कैसे हाथरस के अंदर एक बेटी जा रही है का ये लोग धरना करा सकते हैं, भाईचारा बनाकर रखना ये धरना करा सकते हैं, सरहद पर हमला करवा सकते हैं। पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए वो 300 किलो आईडीएस कहां से आया किसी को नहीं पता, और जब हमारे जवान मरे तो मोदी जी डिस्कवरी चैनल के एक अंग्रेजी शो के लिए शूटिंग कर रहे थे। मैं आपसे कहता हूं होशियार रहना, सीसीटीवी कैमरे लगाओ अपने मोहल्लों में, ये मंदिर के आगे मास्क का टुकड़ा फेंकना, मस्जिद के आगे मास्क का टुकड़ा फेंकना, ये सारी हरकतें भाजपा के लोग करते हैं। बहुजन अभियान आज राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में आज जानसठ में कस्बे में आयोजित हुआ है। इसमें बहुजन उदय अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो हैं प्रशांत कनौजिया जी और हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी के मेंबर पहुंचे। आज लोगों में दलित समाज में लोगों में काफ़ी उत्साह है इस कार्यक्रम के प्रति और अच्छी संख्या में आज कार्यक्रम में पहुंचे दलित समाज। किस एंगल से देखा जा रहा है दलित पंचायत के माध्यम से जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है 2022 के? देखिए पिछले 5 साल में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और सरकार द्वारा शोषण गरीब और पिछड़ों का किया जा रहा है, दलितों का किया जा रहा है। बहन कुमारी मायावती जी जो उनके नेतृत्व बहुजन समाज पर जो नेतृत्व करती है वो पिछले 5 साल से कहीं भी सड़कों पर नहीं है, तो अब दलितों को भी ये महसूस होता है कि उनकी लड़ाई लड़ने वाले मजबूत स्तंभ चाहिए। और आप सब लोगों को जानकारी पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है और राष्ट्रीय लोकदल गरीब पिछड़े और मजबूर और दलित की आवाज़ को उठाने का काम करती है। पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी सब्बीपुर जब प्रकरण हुआ तो जयंत चौधरी जी सहारनपुर पहुंचे और जब भी कहीं भी कोई बात होती है दलित की मजदूर की तो जयंत चौधरी जी सबसे पहले पहुँचते हैं। इसलिए हम सब लोगों ने एक निर्णय लिया है कि बहुजन उदय अभियान के अंतर्गत हम सब जगह पहुँचे। ये बहुजन उदय सम्मेलन क्या है? देखिए हमें लगता है कि जो बहुजन समाज है वो हाशिए का एक बहुत बड़ा समाज है जिसको भाजपा सरकार ने नकारा है और उसको हाशिए पर ढकेला है। और जैसे केशव प्रसाद मौर्य को कुर्सी पर स्टूल पर बिठाना, नाम प्लेट उखाड़ के फिकवा देना,
तो मुझे लगता है कि बहुजनों का वोट तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें भागीदारी नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे नेता जयंत चौधरी जी का ये नारा है कि संगठन में जिम्मेदारी के साथ सत्ता में भागीदारी को भी सुनिश्चित करेंगे और सबके मतलब सर्व समाज का जब तक आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा तो वो सत्ता किसी काम की नहीं है। जी नहीं, डर अच्छा है, मोदी जी डर गए किसानों से, झुक गए, पर मुझे लगता है MSP और 750 जो किसान शहीद हुए हैं उसको लेकर भी उनको कुछ करना चाहिए, बिजली के बिल को लेकर कुछ करना चाहिए। और तो मुझे लगता है कि एक कदम किसानों ने दिखा दिया कि किसानों से कोई लड़ नहीं सकता, किसान इस देश का अन्नदाता और अन्नदाता रहेगा, वो चीज़ स्थापित हो गई है। आपने पहले न्याय यात्रा निकाली, आज ये सम्मेलन किया है, तो आपको लगता है बहुजन जुड़ पाएगा रालोद के साथ? बिल्कुल जुड़ पाएगा, क्योंकि देखिए बहुजन समाज बहन जी को नेता मानता था, मैं ऑनेस्टली आपको ये बात बता रहा हूँ, मानता था, पर अब उस पार्टी पर सतीश मिश्रा का कब्जा है, तो दलित समाज सतीश मिश्रा को नेता नहीं मानेगा, सतीश मिश्रा OBC को अपना नेता मानने को तैयार है दलित समाज। तो मुझे लगता है जयंत चौधरी बिल्कुल मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छा काम करें, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको, और जितने भी दलित समाज के लोग अच्छा काम कर रहे हैं मैं तो चाहूँगा सभी लोग आएँ साथ में और मिलकर इन मनुवादियों को हराते हैं। गठबंधन का हिस्सा रहेंगे चंद्रशेखर? ये तो देखिए पार्टी नेतृत्व तय करेगा, पर मुझे लगता है कि सामाजिक रूप से तो गठबंधन है ही हमारा। आपने अभी कहा कि दंगा करा सकती है जी, इतिहास रहा है भाजपा का, मोदी जी का इतिहास रहा है, अगर मोदी जी के इनिशियल पॉलिटिक्स को कोई जाने तो दंगे से ही तो उनके पॉलिटिकल ग्राफ ऊपर बढ़ा, और 2019 के समय पुलवामा का जो हमला हुआ उसमें जो हम शहीद हुए वो तो ठीक है, पर 300 किलो RDX कहाँ से आया ये भी बताना चाहिए जो नहीं पता चला। तो इस बात का डर लोगों को सता रहा है कि चुनाव से पहले भाजपा दंगा करा सकती है, सरहद पर हमला भी करवा सकती है, तो इससे हम लोग सावधान रहें और लोग आपस में एक दूसरे से भाईचारा बना कर रखें।